जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित के हलका नंबर 3 में। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 24 में से 23 हलकों पे 15 नवंबर को पोलिंग हो गई थी और यहाँ पे जो है एक उम्मीदवार की इंतकाल के बाद इस इलाके में पोलिंग की जो टाइम थी तारीख थी वो 22 नवंबर रखी गई थी। आज 22 नवंबर में यहाँ पे पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही और यहाँ इस हलके में 21 से ज़ायद सियासी और मजहबी जमातों के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और 42,000 के लगभग वोटर्स इस इलाके में हैं और वो उन्होंने अपने हक के राय दही इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे एक ख़ास बात यह है कि सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन इंतजाम थे और कोविड-19 के हवाले से ये बात भी जिक्र करना मैं लाजिमी समझूंगा कि उस पर यहाँ के लोग बाशऊर हैं, उन्होंने बाकायदा उसको मद्देनज़र रखते हुए सोशल डिस्टेंस का यहाँ पे हमने देखा पोलिंग स्टेशनों में उसका मुजाहरा हो रहा था और बाकायदा सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हुए थे। पोलिंग में हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में हमने देखा कि जो अहल थे जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा थी, नौजवान, ख़वातीन, मर्द और हजरात जो थे सब ने आके पोलिंग स्टेशनों में सबकी वो हमें नज़र आए, उन्होंने आके वोट पोल किया। अब पोलिंग का जो टाइम था, दौरानिया था, वो अपने अख्ताम को पहुंचा है। पोलिंग स्टेशन के आते में जितने लोग हैं वो वोट पोल कर सकेंगे और अपने लिए जो है आइंदा के इस हलके में आइंदा के लिए अपने क़यादत का इंतखाब करेंगे। अरशद वली, बादशुमाल न्यूज़, गिलगित, हलका 3। Thank you.